कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को भी ठाकुर बोलते हैं, तो आप ठाकुर मारने चले हैं, ठाकुर मारो, क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं, चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं, झा क्यों लगा रखे हैं? जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए, अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते। समाजवाद के नाम पर राजपूतों के प्रति दोगलापन अपनाने का रूप आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, चेतन आनंद वही जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और लालू यादव की पार्टी से आते हैं, उन्होंने अब अपनी ही पार्टी के सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और चेतन आनंद, राजपूत, मनोज झा, ये पूरा का पूरा प्रकरण संसद से जुड़ा हुआ है, जब संसद में पिछले दिनों महिला आरक्षण विधेयक के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक कविता पढ़ी थी और उनकी कविता में ठाकुरों को इंगित करके कई बातें कही गई थी और अब उनकी यही बातें चेतन आनंद को नागवार गुजरी हैं। नतीजा है कि चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के न केवल मनोज झा के लिए यहाँ तक कहा है कि समाजवाद के नाम पर ठाकुरों के प्रति जो दुराग्रह है वह दोगलापन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि चेतन आनंद ने फेसबुक पर लाइव आकर के यहाँ तक कहा है कि यह सब जानबूझकर बिहार राजपूतों को टारगेट कर करके उन पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि इतिहास गवाह है कि बिहार, चाहे देश हो या बिहार हो, वहाँ सबसे ज़्यादा बलिदान देने का किसी ने काम किया है तो वो राजपूत है। दरअसल ये पूरा का पूरा प्रकरण क्या है, इसे आप ऐसे समझिए कि जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर बातें चल रही थी तो उस दौरान राज्यसभा में इस विधेयक को लेकर के वहाँ पे इस बिल पर चर्चा हुई थी और इसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा था कि इस बिल में दया भाव की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि दया कभी किसी का अधिकार नहीं होता और इस दौरान उन्होंने SC ST और OBC को महिला आरक्षण में विशेष अधिकार देने को लेकर के अपनी बातें रखी थी। बाद में उन्होंने अपने वक्तव्य के अंतिम दौर में ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी थी जिसमें ठाकुरों को मारने का आह्वान किया गया था। दरअसल मनोज झा ने सदन में जो कविता पढ़ी थी वह उस कविता के बोल थे, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हठ की मूठ पर हथेली भी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। और मनोज झा के इसी बयान पर अब चेतन आनंद ने फेसबुक पर आकर के उनके खिलाफ मोर्चा खोला है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि, और चेतन आनंद ने फेसबुक पर आकर के लिखा है कि हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर चलते हैं, इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है, समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं, जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने यानी कि ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि माननीय सांसद श्री मनोज झा जी के विचारों का पुरजोर विरोध करते हैं। तो चेतन आनंद ने अब अपनी ही पार्टी के सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर यहाँ तक कहा है कि वे जानबूझकर राजपूतों को यानी कि ठाकुरों को निशाना बना रहे हैं और ठाकुरों के प्रति इस प्रकार का दुराग्रह फैला रहे हैं। और क्या क्या बातें चेतन आनंद ने कही है, आप पूरी बातें उनकी सुनिए। कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी,
जिसे मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिए। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। बात रही अन्य चीजों की, तो मैं ये साफ बता देता हूं कि हमारा पार्टी जो था, जो ए टू जेड फॉर्मूला पे चलता रहा है, मतलब जो हम लोगों ने बनाया था, जो तेजस्वी जी ने जो ये ए टू जेड का फॉर्मूला दिया था जिसपे हम लोग अग्री किए थे, तो उसमें कुछ लोग जो है ऐसे लोग जो पार्टी में रह करके ये ए टू जेड फॉर्मूला को बिगाड़ना चाहते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कुछ मंत्री लोगों का बयान आ जाता है कुछ भी सवर्णों के खिलाफ। अभी मनोज झा जी का जो बयान आया वो आपने देखा। तो इससे ए टू जेड के फॉर्मूला को वीकनेस होती है, और हम लोग ये मानते हैं कि समाजवाद जब भी होगा वो ए टू जेड के साथ होगा। और ऐसे लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जो मुंह में आया बक दिए, वैसे लोग को दो बार सोचना चाहिए। क्योंकि अगर समाजवादी खुद को कहते हैं तो इन सब सबको साथ लेकर के चलना होगा, चाहे सवर्ण हो, पिछड़ा हो या कोई भी हो, किसी एक को छोड़ करके जो है पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। इन्हीं के ब्रेन की उपज है। तो मनोज झा जी को यह समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है, समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है। और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाए और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहे, ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में, एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाए, ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग, है ना, ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। इस चीज को अगर जरूरत पड़ेगा तो पार्टी फोरम में भी रखेंगे हम कि एक जात दो जात को जो है टारगेट करके कभी पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है, सबको साथ लेकर के पॉलिटिक्स की जाएगी जब भी की जाएगी। और जो भी ये मास्टरमाइंड बन रहे हैं, जो लगातार बयानबाजी जो है गलत कर रहे हैं पार्टी में रह करके, उन सबके को जो है पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए, जनभावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जनता की जो भावना है उसको समझना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स जनता से है। और जनता के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, जनभावना और जनमानस के खिलाफ अगर कोई जाएगा, तो हम ये नहीं मानते कि वो अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। और ये जात पात धर्म मजहब जहां तक सब हो गई पुरानी बात, कोई आज सोच ले कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड के हिसाब से जो है पॉलिटिक्स की जाए, तो ये सब पुरानी बात है। अब ये देश जो है उससे ऊपर उठ चुका है, यहां पर सबके साथ ही पॉलिटिक्स होगी। और मैं पूछता हूं उन लोगों से जो ठाकुर
के ऊपर जो है पोयम पढ़ रहे थे संसद में, कि जब अगर बाय चांस आपको खून की जरूरत पड़ गई तो क्या आप ये देखिएगा जब खून लेते हुए कि वो ठाकुर का है कि नहीं है? आप बोलता है ठाकुर अंदर का ठाकुर मारो। हाँ, ठाकुर क्या होता था? ठाकुर का टाइटल समझते हैं, टाइटल क्या होता है? ठाकुर होता है वो देने वाला। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भी ठाकुर बोलते हैं, तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो, क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं, चेतन आनंद लिखते हैं हम। आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं? झा क्यों लगा रखे हैं?